सुनो कविता, कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति, जो भाव शब्दों में ढला है, जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवित हो जाता है। जीवित हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए, प्रीता जी की आवाज में। रोज सुबह पिता कहते, चलो बगीचे से फूल चुन कर लाते हैं, और मैं उनकी उंगली पकड़ कर चल देती। वे फिर फूल चुनते जाते और नाम बताते जाते एक एक फूल का। कभी पिछवाड़े ले जाते और सब्जियों के पौधे दिखाते। न फूलों की गंध याद है, न सब्जियों का स्वाद, लेकिन पिता की स्नेहिल उंगली और ऊष्मा से भरी हुई गोद नहीं भूली हूँ अब तक। शाम को माँ परोसती घर की सब्जी के साथ गरम रोटी। पिता कहते, अन्नदाता सुखी भव। खाने में मीन मीख नहीं, थाली में जूठन नहीं, अन्न का सम्मान, माँ का सम्मान। कितनी बातें बिना बोले सिखा देते थे पिता। दिन में उन्हें कभी यूं ही खाली बैठे नहीं देखा। रात को लालटेन की लौ में जाने क्या क्या पढ़ते रहते थे पिता। पिता मेरे लिए गुलाब का फूल थे, लाल टमाटर थे, अनुशासन का पर्व थे, ज्ञानेश्वरी दास बोध की किताब थे। ये सारी चीजें बिखरी रहती हैं आसपास, और मैं कोशिश करती हूँ कि चुरा लूं उन्हीं में कहीं छिपी पिता की गंध। पिता के जाने के बाद आसान नहीं है उनकी गंध को बचाए रखना।